तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिस्ट टोनर। दो ऐसे टोनर यहाँ पे मैं आज उन लोग से शेयर करने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि दोनों टोनर में से कौन सा टोनर सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। और अगर आप लोग भी सर्च कर रहे हैं कि बेस्ट टोनर आपकी स्किन के लिए, तो यहाँ पे ये जो दो टोनर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, इनका रिव्यू पूरा आप टिल एंड तक देखें, जिससे कि आप लोगों को पता चल पाएगा कि कौन सा टोनर सबसे ज्यादा बेस्ट है और आप लोग कौन सा टोनर बाय कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि समर स्टार्ट हो चुका है और समर में हमारा जो फेस है उस पर बहुत ही ज़्यादा टैनिंग होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस भी बढ़ जाती है। तो हमारा जो फेस है, हमारी जो स्किन है, उसको ज़रूरत होती है एक अच्छे से टोनर की, जिससे कि हमारा जो फेस है वो काफ़ी समय तक हाइड्रेट रह सके, हमारा जो फेस है सॉफ्ट रहे, हाइड्रेशन उसमें रहे, ड्राइनेस ना हो। तो हमारे फेस को जरूरत होती है एक अच्छे से टोनर की, जो कि हमारे स्किन को, हमारे फेस को सॉफ्ट बना के रखे हमारे। और ये जो टोनर होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे फेस के लिए, हमारे स्किन के लिए। और अगर आप लोग मेकअप करते हैं तो मेकअप से पहले कुछ ऐसे दो तीन स्टेप्स होते हैं, हमारे जो स्किन केयर रूटीन वाले जो स्टेप्स होते हैं वो तो आपको डेली जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपका जो फेस है वो हमेशा एकदम मुलायम बना रहेगा, आपके फेस पर हाइड्रेशन बनी रहेगी, आपके फेस में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं आएगी और पिगमेंटेशन जैसी वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी, आपका जो फेस है वो काफी ज्यादा ब्राइटन बना रहेगा। अगर आप लोग डेली यूज करते हैं, डेली ये जो स्किन केयर के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो चलिए स्किन केयर के स्टेप्स तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही, बट साथ में पहले मैं आप लोगों को जो दो टोनर है उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि जो दोनों टोनर है उसमें से कौन सा टोनर सबसे ज्यादा बेस्ट है और मैं कौन सा टोनर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मेरे हाथ पे ये है दो टोनर और इनका टोनर का जो रिव्यू है मैं एक एक करके आप लोग साथ शेयर करूंगी। तो पहले देख लेते हैं कि ये दोनों टोनर कौन से हैं। तो पहला मेरे हाथ पे टोनर है वाओ का स्किन साइंस विटामिन सी नियासिनामाइड स्किन मिस्ट टोनर, ये है वाओ का। और उसके बाद जो दूसरा टोनर है वो है मेरे हाथ पे पिलग्रिम का, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पिलग्रिम के जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये है पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जीसू आइसलैंड। तो इन दोनों को टोनर को एक एक करके इसका रिव्यू मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन सा टोनर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और कौन सा टोनर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं वाओ का विटामिन सी, आपको इसमें मिलता है विटामिन सी एंड नियासिनामाइड स्किन मिस्ट टोनर अप टू 24 आवर्स ब्राइटन स्किन, मतलब आपकी स्किन को ये 24 आवर्स तक ब्राइटन रखता है। सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल होता है। और ये है, इसमें पैराबिन आपको नहीं मिलेगा, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है और सल्फेट फ्री भी है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये जो बॉटल है आप लोगों ने काफ़ी टाइम देखी होगी मेरे वीडियोस को, अगर आप लोग देखते हैं मेरे मेकअप को, और कई बार मैं उसमें काफ़ी चीज़ें दिखाती हूँ, स्किन केयर रूटीन भी मैंने कई बार शेयर किया है, तो उसमें आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये वाला टोनर मैं काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करती हूँ, ये है वाओ का टोनर। ये आपको मिल जाती है क्वांटिटीज की 200 ml की, और इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाता है, इसमें जो प्राइस मेंशन है वो है 399 rupees, बट जैसे कि आपको बताया कि ऑनलाइन जब भी आप परचेज करते हैं, बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, तो उसमें ऊपर नीचे जो रेट होते हैं वो प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट इसमें जो मेंशन है वो है 399 rupees। ये जो टोनर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है, इसको मैं आई थिंक 3 or 4 years से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ये आपको पंप बॉटल के साथ मिल जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ ये पंप है जिससे कि आप इजीली इसको स्प्रे कर पाते हैं अपने फेस पे, अपनी स्किन पे, और ईजिली एक लिमिटेड अमाउंट में ही इसकी जो क्वान्टिटी होती है वो निकल पाती है, लिमिटेड क्वान्टिटी इसकी निकल पाती है, जिससे कि आप लोग अपने फेस पे जब लगाते हैं तो ईजिली ये स्प्रे कर पाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये बॉटल मेरे हाथ पे है, ये है नेक्स्ट मिस्ट टोनर, ये है पिलग्रिम का सीक्रेट ऑफ जीसू आइसलैंड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पिलग्रिम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस समय काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। अगर आप लोग प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स को जरूर एक बार बाय करके और यूज करके देखें, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छे मुझे उसके रिव्यूज मिलते हैं पिलग्रिम के, और प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये है पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जीसू आइसलैंड व्हाइट लोटस नेचुरल फेस मिस्ट एंड टोनर विथ कैमेलिया एंड विच हेजल के साथ मिलता है, और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, जैसे कि इस पर सारी चीज़ें मेंशन है जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ये बॉटल मिलती है, और इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है
300 रुपीज़। जैसे कि मैंने वाओ का बताया, सेम प्राइस दोनों का है 300 रुपीज़। और वैसे भी जो टोनर होते हैं वो काफ़ी समय तक आपके जो फेस होता है उसको हाइड्रेट करके रखते हैं, आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं आते थे, तो इनका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये जो बॉटल है, इस तरीके की आप लोग पैकेजिंग इसकी देख सकते हैं, किस तरीके की इसकी पैकेजिंग आती है। और इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 300 रुपीज़। तो दोनों का सेम प्राइस है 300 रुपीज़। और ऑनलाइन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे प्राइसेस होते रहते हैं, तो वो आप लोग ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इससे कुछ इसकी पैकेजिंग है। इसमें भी आपको स्प्रे टाइप का मिलता है, पंप बॉटल मिलती है जिससे कि आप इजली पंप कर सकते हैं, ये देखिए। तो अगर अब हम इसके फ्रेगरेंस की बात करें तो इसकी जो फ्रेगरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम लेटेस्ट फ्रेगरेंस मैं बोल सकती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है, रोज़ की तरह इसकी फ्रेगरेंस है। अब आप लोग कहेंगे कि रोज़ वाटर ही होगा, बट ये बिल्कुल भी रोज़ वाटर नहीं है, इसकी एक बिल्कुल डिफरेंट फ्रेगरेंस है जो कि मुझे अभी तक किसी भी जो टोनर है उसमें फील नहीं हुई है। मैंने बहुत सारे टोनर यूज़ करके देखे हैं, बट मुझे अगर टोनर कोई पसंद आया है तो पहला तो है वाओ का, और दूसरा इसको मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है और ये है पिलग्रिम का। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेगरेंस लगी। काफ़ी समय तक आपकी जब स्किन में आप लोग इसको स्प्रे करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने मतलब एकदम बिल्कुल एक नेचुरल कोई प्रोडक्ट आपने लगाया। फ्रेंड्स, ये है दोनों टोनर, और दोनों टोनर का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दोनों ही टोनर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कौन सा टोनर सबसे ज़्यादा बेस्ट है तो मैं आपको वाओ का ही बताऊंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वाओ का यूज़ कर रही हूँ। बट पिलग्रिम का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है। अगर आप लोग पिलग्रिम का प्रोडक्ट्स यूज़ करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये दोनों प्रोडक्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूर इनको यूज़ करके देखें, बाय करके देखें और अपने फेस पर अप्लाई भी करके देखें। आपको दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये था फ्रेंड्स मेरा आज का टोनर का रिव्यू। आई होप कि आपको मेरे दोनों टोनर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।